हाय फ्रेंड्स, मैं मीना, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे महाराष्ट्र की फेमस रेसिपी ढेचा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है, कढ़ाई में 3 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, 1 बड़ा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा चटकने लगा है, अब इसमें हम 12 से 15 कली लहसुन की डालेंगे और लहसुन को हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। लहसुन को हमने 2 मिनट तक पका लिया है। इसी तरह से लहसुन को हल्का ब्राउन करना है ताकि लहसुन का कच्चा टेस्ट निकल जाए। अब इसमें हम 1 कप हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च को भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। देखिए, हरी मिर्च को हमने 2 मिनट तक पका लिया है, आप देख सकते हैं। इससे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। अब इसमें हम 1/2 कप भुनी हुई मूंगफली डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार। मिक्स करते हुए 1 मिनट और पकाएंगे। हमने 1 कप हरी मिर्च लिया था और 1/2 कप मूंगफली, हरी मिर्च का 1/2 मूंगफली लेना है। देखिए, हमने इसे चलाते हुए 1 मिनट और पका लिया है, बस इतना ही पकाना है। अब इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। अब हम गैस को बंद करेंगे और पूरी तरह से ठंडा होने के बाद मिक्सी के बर्तन में डालकर पीसेंगे। पूरी तरह से ठंडा हो गया है, अब इसे हम मिक्सी के बर्तन में डालेंगे और दरदरा पीसेंगे। चटनी को हमने दरदरा पीस लिया है, इसी तरह से पीसना है। लीजिए दोस्तों, ढेचा बनकर तैयार है। इसे आप पराठा, पूरी, दाल, चावल के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।